आज हम लोग यहाँ पे डाक बंगले बारामूला में आए हैं। मेरे साथ एसएसपी बारामूला, एसएसपी सोपोर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला, हमारी पूरी इलेक्शन की टीम, डिप्टी डीओ इलेक्शन बारामूला रहमान साहब, हमारे इलेक्शन नायब तहसीलदार मलिक साहब, अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन, पूरी उनकी टीम है। आज की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर है, मैं आप जब से आपका 5 मिनट लेना चाहूँगा। आप सबको पता होगा 16 मार्च को, दैट इज़ डे बिफोर यस्टरडे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे आगामी लोकसभा इलेक्शन से 2024 को नोटिफाई किया है। आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन जब प्रेस नोट इशू करता है तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो ऑपरेशन में आ जाता है टिल द कम्प्लीशन ऑफ इलेक्शन। इसके जस्ट पहले हमने जितने भी हमारे ज़िले के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके साथ हमने एक मीटिंग की जिसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो डूज एंड डोंट्स है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, उन सब के साथ शेयर की। इसके साथ इसके बाद आपके साथ भी शेयर करेंगे। मैं आप सबके साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो हमारी डूज एंड डोंट्स है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, वो सब आप पब्लिक में डिसमिनेट करें सो दैट हमारे पास एक फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन हो। मैं इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जो इलेक्शन रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में टोटल हमारे 905 पोलिंग स्टेशन हैं जो इस लोकसभा इलेक्शंस में हम जहाँ पे वोटिंग कराएंगे। ये 905 पोलिंग स्टेशन 722 लोकेशंस में स्प्रेड करते हैं। हमारे पास स्पेशल समरी डिवीजन करने के बाद टोटल इलेक्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीब 7,15,000 हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला आपको जैसे पता है 1 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है जिसकी हेडक्वार्टर भी बारामूला है। तो इसी के साथ सारे ज़िला इंतजामिया ने, ज़िला पुलिस बारामूला, ज़िला पुलिस सुपौर ने भी जितने भी बंदोबस्त हम कर लिए हैं। इसके साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसका भी हमारे एप्लीकेशन में आ चुका है। आप सबको पता है कि जो 24 घंटे में जो इशू होते हैं, जो रिमूवल ऑफ बैनर्स हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला ने अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला एंड सुपौर के साथ कैरी आउट किया है। टोटल 652 पोस्टर्स, बैनर्स, वॉल हैंगिंग्स हमने उसको हटाए हैं एज़ पर इलेक्शन कमीशन डायरेक्टिव्स, और इसके साथ ही साथ बाकी जो भी इलेक्शन रिलेटेड इशूज़ हैं हम कर रहे हैं। तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे SSP बारामूला को कि उसके बारे में भी आपको ब्रीफ करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात चंद रोज़ों में ही जो है हमारे पूरे है कमर कसली है। ज़िला इंतजामिया और ज़िला पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोग जो है बढ़ चढ़कर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और अपनी जमहूरी हक का जो है इजहार कर पाए। साथ ही साथ हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बनाएं ताकि एक फियर फ्री, वायलेंस फ्री और इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन हम करा सकें। हम चाहते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, अपने वोटिंग राइट्स का एक्सरसाइज करें और एक ऐसा माहौल हम यहाँ पर बना रहे हैं कि लोग बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के जो है घरों के बाहर निकले और इलेक्शंस का जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ाए, अपने जमहूरी हक का इजहार करें और हर पॉलिटिकल पार्टी और हर कैंडिडेट जो है वो एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे आकर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। मैं आपके वसादत से जो है लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो बिना किसी डर के और किसी खौफ के बगैर जो है घरों से बाहर निकले। हम पूरे तरीके से तैयार है, हर मुमकिन वो कोशिश की जा रही है कि लोगों को कोई भी तकलीफ़ ना हो और बिना किसी तकलीफ़ के वो अपने इलेक्शन राइट्स को एक्सरसाइज कर पाए। इलेक्शन रिलेटेड डिप्लॉयमेंट जो है एक बहुत ही बड़े लेवल की डिप्लॉयमेंट होती है। हमने सही मात्रा में जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है वो रिक्विजिशन की हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, वो हमें मुहैया कराई जा रही है। साथ ही साथ J&K पुलिस और स्टेट आर्म पुलिस की जो है नफरी वो भी लगाई जा रही है। ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 20 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स जो है कार्यरत हो चुकी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया है तब से जगह जगह पे नाकाबंदी चेकिंग की जा रही है। ऐसे अनासर जो समाज में दहशत फैलाते हैं या किसी तरीके से लोगों में खौफ पैदा करते हैं उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स, कैश, लिकर जैसे इंड्यूसमेंट के जो गुड्स है उन पे जो है पाबंदी लाई जा रही है और बारामूला पुलिस के जो ड्रग फ्री बारामूला का जो कैंपेन है उसमें और इजाफा किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल्स
वो लोगों में इंड्यूसमेंट ना कर पाए और लोगों में किसी तरीके का खौफ ना पैदा हो, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और मुझे पूरा यकीन है कि ज़िला इंतजामिया और ज़िला पुलिस की इस तैयारी की वजह से एक पीसफुल और वायलेंस फ्री इलेक्शन हम कर पाएंगे। टोटल जो सर पोलिंग बूथ से या पोलिंग स्टेशन से कितने इंतहाई हिसास गैर और कम हिसास कितने करार दिए गए हैं? देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं वो डीसी साहब और हमने मिलकर फैसला लिया है कि वो सारे ही पोलिंग स्टेशंस को हम क्रिटिकल कैटेगराइज कर रहे हैं, जो गिवन सिक्योरिटी सिनारियो है और हमारी जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो हमारी इतनी बड़ी बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको मद्देनज़र रखते हुए और पास इंसिडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए तमाम पोलिंग स्टेशंस को हमने जो है क्रिटिकल करार दिया है और उसी के इंतजाम हमने पुख्ता किए हैं।